नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IBTV देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं डाक बंगला चौराहे पर, उसी चौराहे पर जहां पर कभी भी बिहार बंद हो या फिर कोई आंदोलन हो, सबसे पहले तस्वीरें यहीं से सामने निकल कर आती है और यहां पर उसका असर सबसे पहले देखने को मिलता है। आज 23 मार्च है और हैशटैग मनीष कश्यप को लेकर जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि आज बिहार बंद है। हालांकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें बिहार बंद का असर फिलहाल राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर वैसी कोई भी तस्वीर सामने नजर आती नहीं दिख रही है। जी हाँ, इस वक्त डाक बंगले चौराहे पर है और वक्त हो रहा है 11। जी हाँ, 11 बज रहे हैं और 11 बजे देखिए आपकी जो बिहार बंद की तस्वीरें हैं। हालांकि अलग अलग ज़िलों से कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं मनीष कश्यप के सपोर्ट में कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया है, फिर बिहार बंद 23 मार्च हैशटैग के साथ ट्विटर पर यह ट्रेंड भी कर रहा है, लेकिन राजधानी पटना में इस तरह की कोई भी तस्वीर फिलहाल सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि वक्त 11 बज रहा है और फिलहाल IBTV जो है डाक बंगले चौराहे पर है जहां पर किसी भी प्रदर्शन का असर सबसे पहले देखने को मिलता है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार बंद का असर दिखने लगा है। बता दें कि शेखपुरा, वैशाली और नालंदा में मनीष के समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं। कई जगहों पर सड़कों को जाम कर दिया गया है। नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ कर जाम खुलवाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही बता दें कि जहानाबाद में समर्थकों ने गया पटना NH-83 को जाम कर दिया। समर्थक पूरे मामले की CBI जांच की भी मांग कर रहे हैं। नालंदा में भी मनीष के समर्थकों का कहना है कि प्रशासन जानबूझकर मनीष को फर्जी वीडियो केस में फंसा रहा है, जिस कारण वो इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। ट्विटर पर यूट्यूबर की गिरफ्तारी का विरोध तेजी से ट्रेंड कर रहा है। #23 मार्च बिहार बंद फिलहाल सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि राज्य में बंद का आह्वान भूमिहार ब्राह्मण समाज से आने वाले और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार और मनीष कश्यप के समर्थकों ने किया है। समर्थकों का कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। ट्विटर पर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में ट्विटर पर कैंपेन भी चल रहा है। ट्वीट कर कहा गया है कि बिहार में तो बंद का साथ दीजिए और बाहर के हैं तो ट्विटर के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए, और ऐसे में कई लोग अपनी उपस्थिति ट्विटर पर दर्ज भी करवा चुके हैं। बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फेक वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का आरोप है। EOU ने इस मामले में 3 केस दर्ज किए हैं। वहीं अपनी गिरफ्तारी की झूठी खबर चलाने को लेकर भी मनीष कश्यप पर पटना में एक FIR हुई है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण में यूट्यूबर के खिलाफ 7 मामले दर्ज है। 18 मार्च को सरेंडर करने के बाद मनीष को रविवार शाम 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो देखिए, अभी वक्त हो गया है 11:20 हो रहे हैं और ऐसे में IBTV पहुंच गया है इनकम टैक्स चौराहा। बता दें कि इनकम टैक्स चौराहे पर भी बिहार बंद का कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप सड़कों पर गाड़ियाँ जो है आए दिनों की तरह दौड़ रही हैं, और ऐसे में ट्विटर पर भले ही हैशटैग बिहार बंद ट्रेंड कर रहा है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो उससे अलग है। राजधानी पटना में ऐसी कोई भी तस्वीर सामने आती नजर नहीं आ रही है बिहार बंद को लेकर, या फिर मनीष कश्यप को लेकर जो बिहार बंद की बातें कही जा रही हैं उसका असर यहाँ नहीं दिख रहा। बिहार बंद का असर क्या आपको दिख रहा है ना? यहाँ पर तो असर कोई नहीं है अभी, कोई यहाँ असर कोई नहीं है बिहार बंद का। सामान से सब गाड़ियाँ चल रही है सर, सब कोई अपने कार्यालय भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस थे जो इनकम टैक्स चौराहे पे, उनका भी यही कहना है कि बिहार बंद का असर राजधानी पटना में कहीं भी देखने को अभी तक नहीं मिला है। देखिए, फिलहाल वक्त हो चला है 11:30 और फिलहाल हम पहुंच गए हैं RGD दफ्तर के बाहर। बता दें कि एक तरफ जहां ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है कि #23 मार्च बिहार बंद, और ये बिहार बंद जो है मनीष कश्यप के गिरफ्तारी के विरोध में किया गया है, वैसे में गया, हाजीपुर, वैशाली और तमाम अलग अलग ज़िलों से जो है अलग अलग तरह की तस्वीरें विरोध प्रदर्शन के तौर पर सामने निकल कर आई हैं। बिहार बंद की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, लेकिन RGD दफ्तर के बाहर ऐसी कोई भी हलचल नहीं दिख रही है जो #23 मार्च बिहार बंद से संबंधित हो। बता दें कि आम दिन की तरह यहाँ भी जो है काम चल रहा है, दफ्तर खुला हुआ है और यहाँ पर कोई भी समर्थक जो ये नारेबाजी ट्विटर पर या फिर अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आ रही है उसके दौरान ये भी तस्वीरें देखने को मिली है कि सरकार के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।
और ये कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को जो है जानबूझकर इस जंजाल में फंसाया गया है, इस तरह की केस उन पर जो है लादे गए हैं। और ऐसे में देखिए कि आरजेडी दफ्तर के बाहर कोई भी मनीष कश्यप का समर्थक फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। वक्त 11:30 हो चला है। आपको बता दें कि अभी IVTV इसके आगे भी कई और जगहों पर जाकर ये देखने की कोशिश करेगा, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेगा कि किस तरह की हलचले मनीष कश्यप के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे हैं या फिर नहीं। देखिए, एक तरफ जहां मनीष कश्यप के गिरफ्तारी के विरोध में #23MarchBiharBand ट्विटर पर 9:30 बजे तक ट्रेंड कर रहा था, सबसे ऊपर था। वैसे में ट्विटर या फिर सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पर लगातार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के विरोध में पोस्ट किए जा रहे हैं। अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है और ऐसे में बिहार बंद को लेकर भी एक मुहिम चलाई गई है। और इससे पहले हम आरजेडी दफ्तर थे और बता दें कि अभी 11:40 हो गया है और ऐसे में हम जदयू कार्यालय के बाहर है, चूँकि नीतीश तेजस्वी के खिलाफ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिहार बंद के दौरान अलग अलग ज़िलों से तस्वीरें आई हैं, नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि राजधानी पटना में इस तरह की कोई भी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है और फिलहाल हम जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर है, जदयू कार्यालय के बाहर है। और ऐसे में यहाँ भी मनीष कश्यप के समर्थन में जो है उनके विरोध के, और देखिए इस वक्त जदयू कार्यालय के बाहर है और यहाँ भी कोई समर्थक मनीष कश्यप का दिख नहीं रहा है हमें। तो देखिए, एक तरफ जहाँ ट्विटर पर #BiharBand जो है ट्रेंड कर रहा है, जो मनीष कश्यप के समर्थक है वो इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वैसे में आपको बता दें कि राजधानी पटना में इसका असर अब तक देखने को नहीं मिला है। नारेबाजी और अलग अलग तस्वीरें सामने ज़रूर आई हैं, अलग अलग ज़िलों से गया, हाजीपुर, जहानाबाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन राजधानी पटना से ऐसी कोई भी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है। बता दें कि नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ भी नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार बंद का असर राजधानी पटना में अभी तक देखने को नहीं मिला है। आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं बीना सिंह पटना से। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, टफकॉन XT के साथ।